नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है। तो अगर मैं बात करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की, तो कल बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ठीक है। कुछ बातें करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। कल अगर आपका पेपर है तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। कल से आपके बीएड के एग्ज़ाम शुरू हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज़ रहता है और थोड़ा डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो पहली बार बीएड का एग्ज़ाम लिखने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लेके आपको जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको लेके जाने हैं अपने पेन, ठीक है, पेन लेके जाना है। अब पेन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन ही आपको लेके जाना है और कुछ नहीं, ठीक है, कोई स्केच वगैरह कुछ नहीं, कोई कलर पेन कुछ नहीं, ठीक है। बात करते हैं भाई, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जेल पेन ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो जेल पेन है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके जेल पेन की। ऐसा नहीं कि आपने लिखना स्टार्ट करा और पेपर के आप बीच में पहुँच गए और फिर वो आपका क्या है कि ओवर करने लग गया वो आपका पेन, ठीक है ना, ओवरफ्लो आपका होने लगा वो पेन, ज़्यादा इंक छोड़ने लगा। तो ऐसा जेल पेन नहीं लेके जाना है, थोड़ा अच्छा जिसकी क्वालिटी हो, ठीक है, वो आपको जेल पेन लेके जाना है। लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी बच्चे जेल पेन लेके जा सकते, मतलब जेल पेन लेके गए थे और जेल पेन, मतलब सीधी सी बात है, जेल पेन से राइटिंग अच्छी आती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेके जाना और भाई 80% उन बच्चों की आई हुई है, ठीक है। तो जेल पेन लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ब्लू और ब्लैक पेन ही लेके जाना, ठीक है, कोई अदर कलर पेन, ग्रीन रेड कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, स्केच विस्केच कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है, आईडी प्रूफ लेके जाना आप अपना सब लोग, ठीक है, और आईडी प्रूफ में भी आप अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना सभी के सभी। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, और वो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, और वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी वोटर आईडी भी हो सकती है, ठीक है। ये सब आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये इनमें से कोई भी एक आप लेके जा सकते हो, ठीक है। बाय चांस अगर इनके में से कोई भी आपके पास नहीं है, मिसिंग हो गया है, तो आप इस केस में क्या लेके जा सकते हो? अपनी टेंथ की मार्कशीट, ठीक है, अपने टेंथ की ओरिजिनल मार्कशीट आप लेके जा सकते हो, ठीक है, वो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ की तरह कार्य करता है, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेके ही जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड अपना निकाल के रखना पहले, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखो, आप सीधी सी बात है, मैक्सिमम बच्चे मॉडल पेपर से ही तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, किसी के पास सूर्या होगा, किसी के पास विद्या होगा, ठीक है, दोनों ही मॉडल पेपर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। एमएसयू के अगर बात करता हूँ, एमएसयू और सीसीएसयू की तरफ अगर मैं बात करूँ, तो विद्या और सूर्या अगर आप किसी से भी तैयारी कर रहे हो, दोनों मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें एक बात क्या है, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, जब आप इनको पढ़ते हो तो क्या होता है, ये आपके, मतलब आपको समझ में तो आते हैं, जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको उस टाइम तो समझ में आएगा, आपको कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप अपने मॉडल पेपर को बंद कर दोगे, ठीक है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी हो, मैं भी हूँ, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक है, कि जो भी आपके साथ सहपाठी, जो भी आपके पेपर देने जा रहे हैं कल, उनके साथ भी यही फील हो रहा है, सबकी हालत यही रहती है। जब हम मॉडल पेपर को पढ़ते हैं तो उस टाइम तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब मॉडल पेपर को बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है यार मेरे तो कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं वहाँ क्या लिखूँगा या क्या लिखूँगी। तो इस केस में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये सिचुएशन सबके साथ है, ठीक है, ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन सबके साथ है, इस सिचुएशन को से परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, सर मैं क्या करूँ? फिर तो बस आपको करना क्या है, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो या जो मैंने गैस पेपर कराया है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो मैंने गैस पेपर कराए हैं उनको करके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अब वो जब आप क्वेश्चन करके जाओगे, वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, बस तीन से चार बार आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है, आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार रीड करके ही जाना है, ठीक है। वो याद तो आपके कभी भी नहीं होगा, किसी के भी नहीं होगा, चाहे कोई भी कितना भी धुरंधर बच्चा हो, ठीक है। तो बस आपको वो एक बार समझ लेने हैं कि क्या कह रहा है, और आपको 3 से 4 बार वो रीड कर लेने हैं। फोकस कहाँ रखना है, ठीक है, फोकस रखना है आपको हेडिंग पर, हेडिंग पर सारा फोकस रखना है, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसकी हेडिंग याद करी, हेडिंग को एक बार मॉडल बन करके लिख के देख लिया, ठीक है। तो अगर आपने हेडिंग
मॉडल बनकर के लिख के देख ली तो सीधी सी बात है याद रखना वो आपके याद हो गया। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबके साथ हमारे साथ यही हुआ था, किसी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। अभी हमने पेपर नहीं दिया तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे याद नहीं है, जैसे ही आप एग्ज़ाम में पेपर देने बैठोगे वो अपने अंदर से आपके निकलेगा। ठीक है, जैसे आप वहाँ पर लिखने बैठोगे, लेकिन ध्यान रखना हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग को नहीं भूलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात चीज़ भाई, गैस पेपर जरूर करके जाना। ठीक है, एमएसयू के भी गैस पेपर मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सीसीएसयू एमएसयू 2023 गैस पेपर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, तो वो करना, सीसीएसयू वाले ही एमएसयू के गैस पेपर हैं और एमएसयू वाले सीसीएसयू के गैस पेपर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, घबराना नहीं है, मुझे पता है आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा घबराहट रहती है क्योंकि पहली बार बीएड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी देखो क्या है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, मैं रोहिलखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, मैं सीसीएसयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, और मैं आपके एमएसयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तीनों यूनिवर्सिटी के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल से बताए हुए आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो आप गैस पेपर तैयार कर रहे हो तो मैक्सिमम तो गैस पेपर से ही आते हैं, लेकिन कोई कोई पेपर ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है ना, तो वो मतलब वो गैस पेपर से नहीं होता है, सीधी सी बात है। चाहे वो मैं रोहिलखंड बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करूँ, कोई ना कोई पेपर ऐसा फंस जाता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, गैस पेपर में से वो नहीं फंसता। सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में बात करूँ बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहाँ पर भी कोई ना कोई पेपर ऐसा आ जाता है कि थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स लगता है। ठीक है, आप क्या एमएसयू की बात करूँ तो पिछले साल भी एक पेपर आया था इसमें फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में, जो कि गैस पेपर से बिल्कुल बाहर था। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब उसकी ट्रिक क्या है, उसको आप टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको आज ही बता रहा हूँ, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो तो उसको आप टैकल कर लो। ठीक है, तो उसको टैकल करने की ट्रिक क्या है, उसको टैकल करने की यही ट्रिक है, मान लो आप कोई भी टॉपिक पढ़ के गए हो। ठीक है, मान लो आप कोई भी टॉपिक पढ़ के गए हो, ठीक है, और उस टॉपिक से आप पढ़ के गए हो एक्स वाई जेड। ठीक है, किसी टॉपिक का आप पढ़ के गए हो एक्स वाई जेड और उस टॉपिक से आपका पूछ लिया ए बी सी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उस टॉपिक से पूछ लिया ए बी सी, लेकिन आप पढ़ के गए थे एक्स वाई जेड, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वही एक्स वाई जेड वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो आप पढ़ के गए हो साफ साफ उस पेपर की जो आउट ऑफ द बॉक्स है, उस पेपर की ट्रिक यही है कि जो आप उस दिन पढ़ के गए हो सारा का सारा वो वहाँ पर आपको लिखना है कुछ भी करके। ठीक है, तो जो आप पढ़ के गए हो वो आपको वहाँ पे लिखना है, भले वो कुछ भी पूछ रहा हो। ठीक है, इस पेपर को करने की यही ट्रिक है और इस ट्रिक से मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करने बैठोगे तो सीधी सी बात है मुंह गर्म हो जाएगा और वहाँ पे दिक्कत में आप लोग आ जाओगे, क्योंकि ऐसा पेपर देख के बहुत ज़्यादा हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है, 15-10 मिनट तक बच्चे एक दूसरे को ही देखते रहते हैं कि क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, है ना, और 15 मिनट इसी में वेस्ट हो जाती है कि शुरुआत कैसे की जाए। तो उस पेपर को आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा पेपर आता है कि उसकी ट्रिक यही है, अगर आप कुछ भी पढ़ के गए हो वो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि जो गैस पेपर बनाए गए हैं वैसे आप लोगों के क्वेश्चन आपको फंसते हुए दिखाई देंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमएसयू के अंदर, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी क्योंकि आप लोगों का कल पहला एग्ज़ाम है, अगर ऐसा पेपर कुछ आता है तो आप उसको ऐसे आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बात करता हूँ मैं फटाफट से आपके लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में भाई आपको 5 पेज फिल करने ही करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 से 2.5 पेज फिल करके आने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और वेरी शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेरी शॉर्ट आपका जैसा है वो वैसे लिखना, अगर वो वन वर्ड है तो वन वर्ड में आंसर करना है, फिलर है तो फिलर कर देना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स कर देना है, और अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पूछा है तो कम से कम 7-8 लाइन उसकी लिख देनी है वेरी शॉर्ट में, कुछ ज़्यादा नहीं करना है ना। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 से नीचे नहीं करना है, 5 पेज का करना ही करना है, और 2 से 2.5 पेज का आपको अपना शॉर्ट क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अपने जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, एडमिट कार्ड, पेन और अपना वोटर आई डी, ये सब निकाल के रखना। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट। ठीक है, कल के लिए, कल आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, मुझे यही उम्मीद है, और गैस पेपर से आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एमएसयू के ही बच्चे वहाँ पर काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, और ध्यान रखना एमएसयू का लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। वैसे तो काफ़ी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, लेकिन आपको एमएसयू के बीएड ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।